जी दफ्तर का क्या हाल है? सुना कैसा है? भाभी कैसी है? यार मैं ठीक हूँ और राबिया भी बिल्कुल ठीक है। यार वैसे तेरी शादी पे काफी शुगर रहा, खास तौर पे मेहंदी पे। बड़े अरसे बाद मुझे भंगड़ा डालने का मौका मिला। हैं? वो भंगड़ा था? मैं तो समझा कीड़ी काड़ा खेल रहा है। नोट किया था, एक टांग उठा के पहले आगे जाता था फिर वापस आ जाता था। यार वैसे भंगड़ा तो भाई शूबी पर खत्म है। यार मेरे ससुराल वाले तो बिल्कुल नॉकआउट हो गए इसके सामने। हाँ ये तो है यार शूबी, तू आरंग लोहार की भंगड़ा पार्टी में शामिल क्यों नहीं हो गया? वहां तेरे तरक्की के चांसेस हैं, यहां तो तुझे झिड़के ही पड़ती रहती है। शर्म आनी चाहिए आपको दोस्तों के साथ ऐसा मजाक करते हुए। देखो बेचारे का कैसा रंग हो गया। वैसे एक बात है, वो डोल वाला मुझसे भी पूछ रहा था कि सांप के पिछले क्या काम है। यार वैसे कसम ले ले, तेरे बगैर तो दफ्तर की रौनकें खत्म हो गई। अच्छा चलो छोड़ो यार, ये बताओ छुट्टियां कैसी गुजरी, कहाँ की सहने की? कहीं भी नहीं गए यार, बस इधर लाहौर में ही रहे। चलो छोड़ो यार, दो चार दिन तो हंस खेल के गुजार लेते, इसके बाद तो सारी जिंदगी लड़ाई ही करते रहते। असल में बात ये कि बड़े अरसे से मेरी नज़र एक प्लॉट पर थी, मैंने कुछ पैसे भी सेव किए हुए थे, कुछ पैसे सलामियों की बदौलत आ गए। सो मैंने राबिया से मशवरा किया, कहने की छोड़ो हनीमून में क्या रखा है, प्लॉट ले लेते हैं, बस इतनी सी बात थी। तो क्या अभी अपने से हाथ से कुछ नहीं लेके आई? ओह रम, क्यों मेरी दुखती रख पे हाथ रखता है? ओ यार मेरी तो किस्मत ही फूट गई भाई। क्या मतलब? भाई शादी से पहले उस ससुराल वाले मेरे घर आए, आके कहने लगे कि आपके पास तो अल्लाह का दिया सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी दिखाई नहीं देती, बस लड़की पर इक्तफा करें। मैं क्या जवाब देता भाई? उसका तो बड़ा आसान जवाब था, तुम भी खुर्रम के घर वालों की तरह कह देते कि हम बड़े खानदानी लोग हैं, हमें किसी चीज़ की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि बहू के अरमानों में ये सादगी कहीं रुकावट न बन जाए। वैसे भी बहू जो कुछ लाएगी उसका ही तो है, हमने उसका क्या करना है, हम तो बस इस्तेमाल करेंगे। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Rabia, happy birthday to you. Thank you Rasim, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मैं समझी छत ही गिर पड़ी है। छत तो मैं इतनी आराम से गिरने नहीं देता। अब ज्यादा मक्खन ना लगाओ। अच्छा तो इस वजह से आप इतनी देर से फाइलों में सर खपा रहे थे, सुबह कह देते, इसमें क्या हर्ज था? बेगम साहब जो मजा रात में कहने में है वो सुबह में कहाँ? अच्छा तो ये बात है, तो फिर जो मजा विश सुनते ही प्रेजेंट लेने में है वो सुबह में कहाँ? देखो रात में हमारी मोहब्बत में मटेरियलिस्टिक चीजों की क्या अहमियत था, मतलब असल बात तो फीलिंग्स की है, जिसका इजहार मैं तुमसे थोड़ी देर पहले कर चुका हूँ। इतनी बुरी शक्ल ना बनाओ, देखो देखो मैं एक कमजोर दिल का बंदा हूँ। अच्छा सुनो सुनो, तुम ऐसा करना शाम को तैयार है ना, सेलिब्रेशन भी होगी, हम बाहर चलेंगे और प्रेजेंट भी मिलेगा, आप खुश? एब्सोल्युटली। पहले कभी नहीं देखा मुझे? नहीं नहीं, देखा तो है लेकिन इससे पहले कभी नहीं देखा। बाहर चलें? बाहर बाहर क्या पड़ा है, एक तो मुझे ये समझ नहीं आती लोग सालगिरह से बाहर क्यों दौड़ पड़ते हैं।
मेरा ख्याल है ऐसे मौके को पुरसकून तरीके से घर में मनाना चाहिए। आप देखिए तो मैंने क्या इंतजाम किया है। चलो चले। जबरदस्त यार, अभ्या तुमने तो कमाल कर दिया। मेरे साथ रहेंगे तो कमाल ही होगा। हाँ ये तो है। केक कहाँ है? केक भी आ जाता है। वेरी नाइस, बत्ती जलाए। आप मेरी मदद नहीं करेंगे? अरे क्यों नहीं करेंगे, हाँ बस हाथ बदल रह गए। ये बेहतर तरीका है। तो आज हम होंगे और खामोशी होगी। ये कुत्ता कहाँ से भौंक रहा है? खुदा का वास्ता इसको जाके चुप कराए। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मेरी इसका इलाज भी मेरे पास है। एक चीज होती है टेप रिकॉर्डर, और वो इसी मकसद के लिए होता है कि ऐसी फजूल आवाजों को दबा दिया जाए। बहुत खूब। हाँ जी, तो माहौल कुछ बेहतर हुआ? नो, लाइट में भी जानी थी। रास्ते खुदा का वास्ता बाहर ही चलते। अरे भाई, लेकिन तुम्हारा वो आइडिया क्या होगा? गोली मारे मेरे आइडिया को। अच्छा, मोमबत्तियां तो बचा। अच्छा, अच्छा वो प्रेजेंट वहाँ? प्रेजेंट भी बाहर है। चले ठीक है। कहाँ हो? रास्ते मैं सोच रही थी कि अब हम अमेरिका जा ही रहे हैं तो 15-20 साल गुजार के ही आएंगे, बच्चों को सेटल करने में आसानी होगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा 5 साल, बल्कि इससे भी कम। क्यों? वो इसलिए कि मैं चाहता हूं कि जब मेरे बच्चे होश संभालें तो उन्हें अपनी आइडेंटिटी के लिए इधर उधर ना फिरना पड़े, उन्हें अपने इर्द गिर्द के लोग अपने जैसे मालूम हो, उन्हें अपनी वैल्यूज, अपने ट्रेडिशंस, अपने कल्चर का पता हो, उनकी शरारतें देसी हो, उनकी जुबान अपनी हो, और सबसे बढ़कर ये कि वो किसी कॉम्प्लेक्स या किसी एहसास कमतरी में मुब्तला ना हो। प्राव्या, तुम खुद सोचो कि तुम्हारे और मेरे लिए इससे बढ़कर कोई और खुशी हो सकती है कि हमारे बच्चे हमारे पास रहे और हमें हमारे नामों से पुकारने की बजाय मामा और बाबा कहकर पुकारे। ओए, ओए! जनाब, खून आप ही जमा करते हैं? हाँ, क्यों? मैं अपना खून देना चाहता हूँ। तुझे तो खुद खून की जरूरत है, हैं? तू क्या खून देगा? आपसे ज्यादा अभी भी मुझ में खून है। दफा हो जाए यहाँ से। मेहरबानी आपकी, मुझे पैसे चाहिए। खून ले ले, मैंने नानी के पास जाना, मुझे पैसे चाहिए। ओए चला जा यहाँ से। मैंने क्या मामला है? कौन है ये शख्स? ये जो खून देना चाहता है, मैंने पहले भी कहा है कि हमें नहीं जरूरत, फिर भी जिद किए जा रहे। क्या नाम है तेरा? नाम मेरा, क्या नाम है मेरा? गुलजार है जी। करता क्या है तू? जी मैं ट्रक चलाता हूँ जी। मालिक ने नौकरी से निकाल दिए। निकाल दिया? मगर क्यों? पता नहीं। देख गुलजार, एक बोतल खून की 100 रुपया, 2 बोतल खून की 200 रुपया, बता मंजूर है तुझे? एक तो नहीं जी, रानी नहीं मानेगी, 100 रुपया कम है जी। और चल निकल यहाँ से, दबाओ यहाँ से, सलामत निकाल इसको, आ जाते हैं मुंह उठा के। तुम तो ठहरो, मंजूर है जी, मुझे मंजूर है। क्या मंजूर है तुझे? 2 बोतलें खून 200 रुपया जी। सलामत जी, जा ले जाए इसे अंदर और कर दे ऑपरेशन।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। आज़र भाई कैसे हैं आप जी? हॉस्पिटल से क्या कह रहे हैं आप? आज़र भाई रासिम ठीक तो है ना? जी जी, मुझे आप बताइए कहाँ। मैं अभी आती हूँ जी। जी मैं बस आ रही हूँ जी। खुदाफिज। और यार तुम्हें तो पता है कि पॉश लोकेलिटी में दो कनाल की कोठी बनाना कितना मुश्किल काम है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे ओ नेगेटिव खून की जरूरत है। तुम ठहरो, मैं अभी तुमसे बात करता हूँ। क्या बात है, खैरियत तो है? वो अस्पताल में एक इमरजेंसी आ गई है और मरीज का फौरन ऑपरेशन करना है। दो बोतल खून चाहिए, खून कहीं से मिल नहीं रहा। ये कौन सा ग्रुप बताया आपने? ओ नेगेटिव। सलामत साहब। जी सर। ये जो सुबह गुलजार साहब दो बोतल खून का अतिया दे गए थे, वो ओ नेगेटिव ही था ना? जी सर। तो फिर जल्दी से ले आए, फौरी जरूरत है। अच्छा सर, ये जो खून लेने जा रहे हैं वो टेस्ट किया हुआ है ना? ओ जनाबे वाला, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, हम हर तरह के टेस्ट और तसल्ली के बाद ही खून लेते हैं। आखिर किसी की जिंदगी का मामला होता है, एहतियात तो बरतनी पड़ती है ना। ये सर। ठीक। लेकिन जनाब मैं फिर भी इसकी तस्दीक शुदा रिपोर्ट देखना चाहता हूँ। ओ जनाबे वाला, ये कैसी बेतबारी वाली बात कह दी आपने? आप तो पहले भी हमसे खून लेके जाते रहते हैं। ये साथ वाले अस्पताल से हैं ना आप? जी जी, मैं साथ वाले अस्पताल से हैं। तो फिर बताएं, पहले कभी कोई शिकायत आई आपको? हम हराम की कमाई करने वालों पर लानत भेजते हैं। आप 100% इत्मीनान से खून ले जाएं, हमने भी कब्र में जाना है। कितने पैसे इसके? सिर्फ 4,000 रुपये। 4,000? और वो भी अतिये के खून के? और जनाबे वाला, आपको तो पता है कि ये खून कितना मुश्किल से दस्तियाब है, और फिर आजकल कौन अतिया मुफ्त देता है? छोड़े जी, ये ले। कैसी हो बाबा? इसमें रोने की क्या बात है, ऐसे छोटे मोटे हादसे तो जिंदगी में आते ही रहते हैं। ये छोटी सी बात थी, मेरी तो जान ही निकल गई थी। यार कैसी बातें कर रही हो बाबा, मैं कौन सा तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ? अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है और अभी तो हमने बहुत खुशियां देखनी है। वैसे बेगम साहब एक बात बताओ, आज तक तुम्हारी इजाजत के बगैर मैं कभी तुम्हें छोड़ के गया? बोलो। खैर अब ये आंसू पोंछ दो, ठीक है, इससे पहले कि मेरी भी बीन बच जाए। ऐसा दुबी पट्टा लगाऊंगा, तू सारी रात आंखों पे मुखियां देकर रोता रहेगा, तुझे चुप कराने वाला कोई नहीं होगा। कोई बात नहीं बेटे, अभी तो तू सिर्फ दो गेम ही जीता है, अभी रखता हूँ तेरी तौन पे कोटा और फिर अगली जो तेरे हासे हैं सब बंद हो जाएंगे, सब होते हैं। मन जरा ये पत्ते जरा सही तरह पहन, आ जाओ जरा। गाना भाई तेरा नहीं। चल चल बेटे, जरा सही तरह पत्ते पहन। चल, चाय बन गई है भाई, आ जाए। चलो चाय बन गई, अब तो भाई चाय के बाद ही बाजी होगी, किधर जाएगा? वैसे चाय का असल मजा तो समोसों के साथ है, और वो भी भाभी के हाथ के बने हुए। क्यों राबिया? बिल्कुल आज़र भाई, बहुत बुरी बात, आप भाभी को इतने दिनों से नहीं लेके आए, अगर वो इस वक्त होती तो अच्छी गपशप रहती। ये भाई साहब जो नजरें झुका के खड़े हुए हैं, भाभी को नाराज होके मेके गई हैं।
यार अपनी खाँव बंद कर, कितने दिनों से दिमाग चाट रहा है। लगता है इसके माँ बाप ने बचपन में इसको वो हिफाजती टीके नहीं होते वो नहीं लगवाए, उसके असरात अब जाहिर हो रहे हैं। आदर भाई मैं तो हर वक्त यही रोना रोती रहती हूँ, मगर ये सुने तब ना, हर वक्त कहते हैं हल्की सी खांसी ही तो है ठीक हो जाएगी। बुखार इतने दिनों से जाने का नाम नहीं ले रहा, और जरा देखिए तो कितनी अजीब सी एलर्जी हो गई है इन्हें, दिखाइए ना जरा आदर भाई को। कमाल है यार, इतनी सारी बीमारियां लेके फिर हमें पता ही नहीं है। जल्दी जल्दी सही हो जाओ, तुम्हारा अमेरिका जाने का टाइम भी करीब आ रहा है। उन्हें इतनी सारी बीमारियां देखी ना, तेरी एंट्री बंद कर देंगे। यार बाकी अजीब किस्म के धब्बे हैं, सिर्फ बाजू पे हैं कि और भी हैं? सिर्फ बाजू पर हैं। वैसे इस तरह के सिम्टम्स का होना कोई अच्छी बात नहीं है, फौरन किसी डॉक्टर को दिखा। यार तुम लोग तो खामखा पीछे पड़ जाते हो। भाई मामूली इन्फेक्शन है, मैं दवाएं ले रहा हूँ, पहले से बेहतर हूँ, जाने दो बस। तुमने किसी डॉक्टर को दिखाया? दिखाया यार, दिखाया। तुमने जरूर उस परवेज को दिखाया होगा, यार वो भी कोई डॉक्टर है, उसके अपने घर वाले उससे कोसों दूर भागते हैं। और पता नहीं तुझे क्या मिलता है वहां से, तू उसके पास चला जाता है यार। अच्छा भला तो है यार, तू ऐसे ही पीछे पड़ा है उसके। भाभी पैसे दे के तो वो पास हुआ है, तोबा तोबा, एफ एस सी के एग्जाम में मेरे पीछे बैठा हुआ था, उसने पेन मार मार के मेरी कमर में सुराख कर दी। पता क्या कहता था, पेपर ऊपर करो, मुझे नजर नहीं आ रहा, पेपर ऊपर करके मुझे दिखाओ। और मैंने जान छुड़ाने के लिए कहा, मैंने कहा भाई मुझे करने दे, फिर मैं तुझे करवा दूंगा। पता क्या कहता है, कहता है कि यार तुझे तो आता है, पहले मुझे करवा लो फिर तुम करते रहना। वैसे बहुत ही समझदार था जो इससे पूछ रहा था। लो इसी बात से अंदाजा लगा लो। वैसे जब इम्तिहान का रिजल्ट आया ना, उसके 200 नंबर मुझसे ज्यादा थे, पर कसम ले लो कि पढ़ाई से उसका कोई ताल्लुक हो, अब डॉक्टरी उसने क्या पढ़ी होगी। रासिम रासिम हुसैन भाई बता रहे थे कि जो हॉस्पिटल वाले हैं ना, इन लोगों ने एक लर्नेड लेडी डॉक्टर अमेरिका से जो आई हुई है उसको कंसल्टेंट रखा हुआ है। प्लीज चलो अभी दिखा के आते, कल चलेंगे। यार नहीं यार प्लीज उठो अभी चलते, बाकी अभी तैयार हो जाए बड़ा। हाँ चले ना रासिम, चले। टेम्परेचर तो है आपको, आप मुझे अपनी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में तफसील से बताएं, और ये सिम्टम्स आपको कब से हैं? डॉक्टर साहब पिछले कोई 25-30 रोज से मैं इस कैफियत में मुब्तला हूँ। शुरू में तो हल्का जुकाम और बुखार था, लेकिन इससे मेरा वजन काफ़ी कम हो गया। मेरा ख्याल था शायद तो खुराक की कमी की वजह से ऐसा है, तो मैंने उस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, और वो नज़ला और ज़ुकाम की जो आम दवाएं वो मैं इस्तेमाल करता रहा। मगर आप ये देखिए कि ये जो सुर धब्बे हैं मेरे पास ऊपर, इसकी वजह से मैं बहुत अनकम्फर्टेबल फील कर रहा हूँ। आपने कहा कि आप 20-25 रोज से इस कैफे में मुब्तला हैं, तो इस सिलसिले में आपने किसी डॉक्टर से मशवरा नहीं किया, मेरा मतलब है कोई इलाज वगैरह? जी मैंने दिखाया डॉक्टर को, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, मामूली इन्फेक्शन है, और सो दवाएं जो उन्होंने दी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब एक्सीडेंट के बाद मतलब कमज़ोरी तो कुछ हो ही जाती है, और रिकवरी में कुछ अर्सा तो लग ही जाता है। एक्सीडेंट? किस किस्म का एक्सीडेंट? जी 7-8 माह पहले इनका कार एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन एक्सीडेंट का फ्लू और जुकाम से क्या ताल्लुक? आप ताल्लुक को छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि एक्सीडेंट किस नोयत का था। एक्सीडेंट के बाद कुछ लोग ने उठाकर हॉस्पिटल ले गए थे, इनका सर फट गया था और कंधे पे फ्रैक्चर हो गया था, इसीलिए फौरी तौर पे ऑपरेशन करना पड़ा। और ऑपरेशन के लिए काफ़ी खून की ज़रूरत थी, और उसके लिए हमें काफ़ी मुश्किल पेश आई थी ना आज़र भाई। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। दरअसल इनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, जो कि काफ़ी रेयर है, एक्सीडेंट के वक्त काफ़ी खून ज़ाया हो गया था, तो उसके लिए हमें काफ़ी ताज़ा खून चाहिए था। तो एक बोतल तो आज़र भाई ने लगवा दी थी, लेकिन बाकी दो बोतलों के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। तो फिर आपने क्या किया? फिर हमने एक प्राइवेट ब्लड बैंक से रब्ता किया था, और थैंक गॉड मिल भी गया था। अच्छा आपने इस हाल या बीमारी में अपना कोई ब्लड टेस्ट करवाया? हाल में तो नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन एक्सीडेंट के बाद मेरे बहुत से टेस्ट हुए थे जिनमें ब्लड टेस्ट भी शामिल था, एंड ऑल द टेस्ट वर क्लियर, ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा अगर आप लोगों को कोई एतराज़ ना हो तो मैं इनके कुछ टेस्ट करवाना चाहूँगी। एतराज़ तो नहीं है, लेकिन क्या कोई परेशानी की बात है?
देखिए मिसेस रासिम, मेरे लिए इस वक्त कुछ कहना मुश्किल है। रिपोर्ट्स आएंगी तो फिर मैं कुछ कहने की पोजीशन में होंगी। मे बी ये कोई इन्फेक्शन हो, इट्स पॉसिबल। फिर भी मैं चाहूंगी कि टेस्ट हो जाए ताकि मैं इलाज अच्छी तरह कर सकूं। राइट डॉक्टर साहब, व्हाटएवर यू फील लाइक, ठीक है। एक्सक्यूज मी, इनको डॉक्टर शुरैब के पास ले जाइए और उनसे कहिए कि मिस्टर रासिम के ये सारे टेस्ट करवा। ठीक, चलिए आप और हाँ मिसेस रासिम, जब तक इनके टेस्ट होते हैं आप प्लीज मेरे पास तशरीफ रखें। जी ठीक है, थैंक यू। ओके, जी मिसेस रासिम, आपकी क्या मसरूफियात है? मसरूफियत तो है सच कोई नहीं जी, अभी कुछ माह पहले हमारा बेटा हुआ है तो सारा दिन उसी में गुजर जाता है। बहुत इंजॉय करती होंगी उसके साथ, है ना? मिसेस रासिम, आप माइंड तो नहीं करेंगे अगर आपसे मैं कुछ ज़ाती नौयत के सवाल करूँ? ज़ाती? जी ज़रूर, आप कहिए। आपकी शादी? मुझे बताओ क्या क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है। रो क्यों रही हो? क्या हुआ मुझे बताओ। ठहरो मैं तुम्हें पानी देता हूँ। नहीं रासिम, कहीं मत जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज कहीं मत जाओ। मुझे बताओ क्या हुआ, क्या है? ठहरो मैं तुम्हें पानी देता हूँ। अब मुझे बताओ क्या हुआ, ख्वाब देखा कोई, कोई डरावना ख्वाब? क्या हुआ बताओ। रासिम मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों क्यों डर रही हो, क्या बात है? रासिम वो डॉक्टर, वो डॉक्टर की वजह से परेशान हो? पापा डॉक्टरों का तो काम ही होता है ऐसे ही खौफनाक पिक्चर पेंट करना, चाहते हैं कि जब वो सुने तो बस मरीज वहीं का वहीं बैठ जाए, जब वो ठीक हो जाए तो फिर उनकी वाहवाह हो जाए। हाँ वो डॉक्टर आज रिपोर्ट्स के बारे में क्या कहेगी? मेरी रिपोर्ट्स के बारे में क्या कहना है यार, उन्होंने वो कहेंगी कि वो आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, आप मेरी तजवीज करता दवाएं इस्तेमाल करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सही नहीं बात? पता है जब तुम्हारा आदर भाई चले गए थे से कुछ अजीब और गरीब सवाल कर रही थी। अच्छा तुमने पहले तो इसका जिक्र नहीं किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें बताऊं या ना बताऊं। क्या पूछ रही थी? पहले तो ऐसे ही रोज बना कि जिंदगी के बारे में कि आप क्या करती हैं, आपकी क्या मसरूफियत है, फिर तुम्हारे बारे में काफी पूछा उन्होंने, क्या करते हैं, दोस्त कैसे हैं, मसरूफियत, दिन कैसा गुजरता है, फिर आपकी अस्तवाजी जिंदगी कैसी है, बच्चे, फैमिली प्लानिंग के बारे में वगैरह वगैरह। अच्छा तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा माशाल्लाह हमारा एक बेटा है, हम खुश हैं और अगले
अगले कुछ चंद सालों तक हमारा फैमिली बढ़ाने के बारे में कोई राता नहीं। मैंने फैमिली प्लानिंग से मुतल्लिक अपने मंशूर का नहीं बल्कि मैंने पूछा है कि तुमने मेरे मुतल्लिक सवालों का क्या जवाब दिया। क्या देना था, वही दिया जो देना चाहिए था। वैसे उनकी कोई तसल्ली हुई नहीं, वो ऐसे तुम्हारे बारे में सवाल करी थी जैसे लड़की वाले नहीं करवाते लड़के के बारे में पहले पूछ के। देखो इसमें तबते का कोई कसूर नहीं, अब इतना इतना हैंडसम और खूबसूरत बंदा हो तो उसके बारे में तो ज्यादा से ज्यादा लोग जानना चाहते हैं ना, और उसकी पसंद क्या है ना पसंद क्या है क्यों। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं मजाक कर रहा था। सुनो तुम ऐसा करो कि आयतुल कुर्सी पढ़ो और आराम से सो जाओ। देखो पावन रात के 4 बज रहे हैं और सुबह 8 बजे दफ्तर भी जाना है। हाँ अब तो कोई खौफ नहीं कोई डर नहीं। सुनो मैं शाम को जब ऑफिस से आऊंगा तो मैं क्लिनिक से होता आऊंगा रिपोर्ट्स ले आऊंगा, ठीक है। आराम से सो जाओ। शाबाश। जी डॉक्टर शेर आप मुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहते थे। यस डॉक्टर। डॉक्टर वो मैं मिस्टर रासिम की रिपोर्ट्स के बारे में आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। हाँ हाँ कहिए क्या रिजल्ट्स हैं। डॉक्टर आपका शक बिल्कुल दुरुस्त है, ही इज एन HIV पॉजिटिव। व्हाट डॉक्टर शुएब क्या आपने रिजल्ट्स को कंफर्म किया? ना सिर्फ कंफर्म डॉक्टर बल्कि रिकन्फर्म, रिजल्ट्स पॉजिटिव ही हैं। ओके ओके डॉक्टर शुएब अब अभी किसी से बात नहीं करेंगे और आप फौरन डॉक्टर्स की मीटिंग कॉल करें प्लीज। ऑलराइट। एक्सचेंज। हाँ मैं डॉक्टर आयशा बोल रही हूँ। अमेरिका में डॉक्टर उस्मानी से फौरन मेरी बात करवाएं। हाँ आज क्लिनिक गए थे। हाँ फिर क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ मैं तो पहले ही बकवास कर रहा था कि सब कुछ ठीक है, तुम लोगों ने ऐसे ही इतना पैसा और वक्त बर्बाद किया। पैसों की क्या बात है इसमें, तसल्ली तो हो गई ना, आप खामखा में पैसों की परवाह करते हैं। अच्छा खासा अल्लाह मियां ने हमें ठीक रखा हुआ है, बहुतों से बेहतर है। आपकी इतनी अच्छी नौकरी है, हमारा बेटा है, ये छोटा सा घर है, सफेदी नहीं हुई तो क्या हुआ, हो जाएगी। आपको अपनी परवाह करनी चाहिए, अपनी सेहत की परवाह करनी चाहिए, वो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। खैर अच्छा उधर रिपोर्ट्स दिखाइएगा ना। तुमने इनका क्या करना है? अचार डालना है। बाबा अलमारी में रख दूँ, बाद में कभी ज़रूरत पड़ सकती है। चले दे। वो मेरे ख्याल वो आसिम जाग गया है, तुम उसे देखो। अच्छा देखती हूँ। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। आज़र भाई कैसे हैं आप? भाभी कैसी हैं? इतने दिनों से कहाँ गायब है? भाभी को कहें मिलने जितना मिलना है, हम तो 2-4 दिन के मेहमान हैं, फिर हमने कहाँ नजर आना है। तो और क्या, अमेरिका जाकर ऐसी गपशप कहाँ मिलेगी। जी जी अच्छा हाँ हाँ मैं रासिम को बुलाती हूँ। रासिम आज़र भाई का फोन है। उसे कहो वो सो रहा है। क्यों अभी तो तुम सो के उठे हो। मुझे नींद आ रही है, उसे कहो उठेगा तो फोन कर लेगा। रासिम तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं सोना चाह रहा हूँ। ओके thank you.
दिल नहीं चाह रहा, मैं फ्रिज में रख देता हूँ, शाम को पी लूंगा। नहीं, शाम को मैं आपको नया बना दूंगी, ये मैं पी लेती हूँ। नहीं, मैं पी लेती हूँ। ये क्या बदतमीजी है? रासिम, ये जरा रासिम को पकड़ेगा, मैं भी आती हूँ। क्यों? मैं जरा किचन को देख लूँ। आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि आपने कभी से उठाया ही नहीं। ये कब का है? आप पकड़े ना, मैं जरा खाने को देख लूँ, दो घंटे बाद कहेंगे कि मुझे भूख लगी है, ये ले। नहीं देखो, इसे ऐसा करो, कॉट में लिटा दो, मुझे जुकाम लगा है, मैं सोचा था इसे ना कहीं घूम लेते। सारा दिन तो आप आसिम आसिम करते रहते, अब जब मैंने उठाने को कहा है तो जुकाम याद आ गया। मैं सोचा था तुम कुछ दिनों के लिए आसिम को लेकर इस्लामाबाद चली जाओ। इस्लामाबाद क्यों? कोई ख़ास बात है? नहीं नहीं, ख़ास बात तो नहीं है, वो ऑफिस ने मुझे एक बहुत अहम असाइनमेंट दी है, सो वो मुझे उसके काम के लिए कुछ लेट आज में रुकना पड़ेगा। तो फिर? मैं सोचा था तुम ऐसे घर में अकेली बोर होगी, आंटी से मुलाकात भी हो जाएगी और आउटिंग भी साथ साथ। मुझे नहीं जाना। मतलब क्यों? रासिम, एक तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ठीक हो रहे हैं, आप अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर लें, फिर इकट्ठे चले चलेंगे। क्या हुआ मेरी तबीयत को? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और प्लीज मुझे तंग मत करो, प्लीज। रासिम, क्या हो गया है आपको? कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ आपका रवैया अजीब सा हो गया है, क्या बात है? मुझे ये फजूल बकवास नहीं चाहिए और मुझे इस सिलसिले में कुछ नहीं सुनना, बस। डॉक्टर साहब, मैं अंदर आ सकती हूँ? जी जी, मिसेस रासिम आइए बैठिए। थैंक यू। हाँ, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मिस्टर रासिम कैसे हैं? वो भी ठीक हैं। मिस्टर रासिम आज कैसे आना हुआ? डॉक्टर साहब, रासिम को क्या हुआ है? मिसेस रासिम, रासिम साहब के मना करने के बावजूद मैं समझती हूँ कि मुझे आपको हकीकत से आगाह कर देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जितनी मदद आप रासिम की कर सकती हैं शायद ही कोई कर पाएगा। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि मिस्टर रासिम इज एन HIV पॉजिटिव। मैं आपका मतलब नहीं समझी। ये बाद में एड्स की सूरत अख्तियार कर सकता है। क्या? एड्स? बाबा, मैं कौन सा तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है और अभी तो हमने बहुत खुशियां देखनी है। वैसे बेगम साहब, एक बात बताओ, आज तक तुम्हारी इजाजत के बगैर मैं कभी तुम्हें छोड़ के गया हूं? बोलो।
रासिन, रासिन, आज मैं डॉक्टर आयशा की तरफ गई थी। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। रासिब, प्लीज ऐसे मत करो। मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे। नहीं रासिब, इट्स नॉट ओवर। रासिब प्लीज हिम्मत करो, देखो ऐसे मत करो। हमें अपनी जिंदगी उसी तरह जीनी है जैसे हमने सोचा था। हमें वो तमाम ख्वाब पूरे करने हैं जो हमने इकट्ठे देखे हैं। रासिम प्लीज प्लीज ऐसे मत करो। नहीं, हमें इस मर्ज से जीतना है। प्लीज देखो, वी हैव टू फाइट, वी हैव टू। तुम मुझसे वादा करो तुम जीतोगे। प्लीज मेरे लिए, आसिम के लिए, प्लीज रासिम, हम जीतेंगे। छुट्टी क्यों चाहिए तुम्हें? डॉक्टर साहब, मेरा छोटा बेटा बीमार है इसलिए। झूठ मत बोलो बिल्कीस, मैं सब जानती हूँ कि आजकल नर्सों के बच्चे क्यों बीमार पड़ रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि उस एज में मुब्तला मरीज की तीमारदारी न करनी पड़े, जो सिर्फ चंद दिनों का मेहमान है। इसीलिए तो डॉक्टर साहब मैं छुट्टी मांग रही हूँ। देखिए ना जी, उसने तो चार दिन बाद मरी जाना है, हम अपने गले से आपा क्यों डालें जी। हाँ जी, शर्म आनी चाहिए तुम ऐसी बातें करते हुए भी। आज तुमने उस पेशे के तकद्दस को पामाल कर दिया है जिसकी पासदारी का हल्फ तुमने उठाया था। क्या वो सारी बातें जो मैंने तुम्हारी जरूरत, तुम्हारे सब्र और साबित करने के लिए सुनी थी, झूठ थी, फरेब थी? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन मौत से तो डर लगता है ना जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, इंसान को जानबूझ के खुदकुशी तो नहीं ना करनी चाहिए। यू आर फॉलो मी डॉक्टर साहब, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कैसी बातें कर रही हो तुम?
क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि एड्स एक दूसरे की तीमारदारी, एक दूसरे के साथ काम करने, खाने पीने, हत्या के बर्तन इस्तेमाल करने से भी नहीं फैलता, फिर तुमने ये कैसे सोच लिया? लेकिन डॉक्टर साहब, बस बिल्कीस, तुम में से किसी को भी छुट्टी नहीं मिलेगी, और अगर तुम में से कोई फिर भी जाना चाहे तो ये याद रखो कि वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं है, एंड इज दैट क्लियर टू यू? अब तुम जा सकती हो। भाभी, जरूरी तो नहीं कि जो कुछ डॉक्टर कह रहे हैं वो ठीक हो, हम राशन को कहीं और चेक करवा लेते हैं। सैंपल्स इतनी सारी लेबोरेटरीज में चेक करवाए हैं आज़र भाई, हर जगह रिजल्ट एक ही है। प्लीज आप हिम्मत और हौसले से काम लें, संभालें अपने आप को, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आज़र भाई, आप एक काम करेंगे? जी बताएं। वो जो हमारा प्लॉट है ना, किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात करके आप उसे बिकवा दें। भाभी मगर वहाँ तो आपने अपना घर बनाना है। हाँ, लेकिन आज़र भाई, घर तो मकीनों से बनते हैं, और जब वो ही नहीं होंगे तो घर क्या बनाना। बस आज़र भाई, मुझे उसे बचाना है, प्लीज आप उसे मत जाने दें। सिस्टर नसरीन। हाँ जी, ये तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे मरीज की ड्रिप का टाइम हो गया है। चलो जाओ अपने वार्ड में जाके अपने मरीज को लुक आफ्टर करो। चलो शाबाश। हाँ हाँ, तुम तो चाहती यही हो। भाई मैं क्या चाहती हूँ? यही कि मैं जवानी में ही मर जाऊँ। नहीं नहीं। हाँ हाँ, तुम तो पहले दिन से मेरे से जेलस हो, इसीलिए तो तुमने उस मरीज के साथ मेरी ड्यूटी लगा दी है। लो बताओ भला, मैं तुमसे जेलस क्यों होने लगी? ये हॉस्पिटल है और नर्स का काम हॉस्पिटल में यही है कि वो हर मरीज की तीमारदारी करे, ख्वाह वो किसी भी मर्ज में मुब्तला हो, और तुम अपना फर्ज पूरा करो। चलो। अच्छा, फर्ज पूरा करो? मैं हैं, और मैं ही रह रही हूँ पूरे अस्पताल में फर्ज पूरे करने के लिए? हैं, कुछ तुम भी कर लिया करो। हैं, अगर फर्ज पूरा करो, मैं तुम्हें बता दूं, और ना अस्पताल में कितने ज्यादा मरीज है? काफी सारे है ना। ठंडे दिल से सोचो, किसी और के साथ भी मेरी ड्यूटी लग सकती थी, उसी के साथ तुमने मेरी ड्यूटी लगानी थी, उसी के पल्ले मुझे बांधना था। हैं, बताओ जरा, तुमने ये भी नहीं सोचा, और तुम्हें शर्म ना आई कि मेरे इतने छोटे छोटे बच्चे, तो वो मम्मा किसको टाइगर को रोटियां घर पका के देगा? योर वाला मेरी सिस्टर बल्कीस है। नसरीन प्लीज कूल डाउन, डोंट शाउट मी, देखो लोग सुन रहे हैं। मैं तो कहती हूँ लोग सुने, देखते हैं तो देखें, उनको पता चलना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि इन जैसे लोग जो काली करतूतें करते फिरते हैं ना, उनका अंजाम क्या होता है। आओ, खुदा का खौफ करो नसरीन, ऐसी बातें तो ना करो। और मुझे वो बंदा ऐसा लगता भी नहीं है, तुमने उसकी शक्ल नहीं देखी, कितना मासूम शक्ल है वो। हाय, शक्ल मत जाना बीबी, शक्ल पे ना जाना, शक्ल तो फरदोस के मियाँ की भी बड़ी खूबसूरत थी। है, दिन रात उसकी बीवी उसकी खिदमत करती थी। क्या हुआ अंजाम? और क्या हुआ उसका अंजाम? भाग गया ना रकम राशन के साथ। इट इज गो टू विद रखो नॉट बैक मूव। और बीबी, ये जो मर्द है ना, टूट पड़े सारे के सारे एक जैसे होते हैं, और जितनी मर्जी इनकी खिदमत करो और जितना मर्जी इनका ध्यान रखो, इनके डेले इधर उधर घूमने से बाहर नहीं आते। आओ डॉक्टर साहब, क्यों ना हम राशन को अमेरिका ले जाएं? जरूरत तो नहीं, क्योंकि हमारे और उनके तरीके इलाज में कोई खास फर्क नहीं है। हाँ, फर्क है तो माहौल का है, सोशल और मॉरल सपोर्ट का है। यकीनन वहाँ के लोग ऐसे मरीजों को इतनी नफरत और हिकारत से नहीं देखते जितना कि हमारे यहाँ देखा जाता है। एक्चुअली वहाँ के लोग समझ गए हैं कि ऐसे मरीजों को जितनी हमदर्दी के साथ डील किया जाए वो उतनी ही उनके लिए बेहतर होती है। मैं ज़ाती तौर पर समझती हूँ कि मरीज को जगह की तब्दीली नहीं, माशरे को तब्दीली चाहिए, लोगों के रवैये और एहसासात में तब्दीली चाहिए, इर्द गिर्द के माहौल में तब्दीली चाहिए। डॉक्टर साहब, आप ठीक फरमा रही हैं, मगर माशरे को बदलने में बहुत पैसा चाहिए और हमारे पास वक्त बहुत कम है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, हमारे पास वक्त बहुत कम है। ऑलराइट, ओके, अगर आपकी तसल्ली इसी में है तो मैं आपको रोकूंगी नहीं, बल्कि जो मदद हो सकती है वो भी मैं करूंगी। मुझे नहीं जाना अमेरिका से। अमेरिका कितना कितना फर्क पड़ जाए, साल दो साल, सर तो सेम ही है। मैंने कह दिया मुझे यही रहना अपने मुल्क में, जो कुछ होगा यही होगा।
बहन दोनों के साथ। आप लोग ये बात क्यों नहीं तस्लीम कर लेते कि हम लोग एक बहस कौन बनते जा रहे हैं जो अपने रिश्तों नातों अपने कदरों रवायतों और एहसास को पीछे छोड़कर एक मुर्दा जमीर के साथ हिर्स और लालच की ऐसी दौड़ में शामिल हो चुके हैं जिसका अंजाम बहुत भयानक है। और जो लोग इस दौड़ में शामिल नहीं हो पाते वो अपने नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगतते हैं। जैसे आपके सामने ये रासन साहब का केस है जिसमें एक बेगुनाह को मौत और मौत के हकदार को पकड़ा भी नहीं जा सका। मगर ये तो हुकूमत का फर्ज है कि कोई ऐसा इंतजाम करे। एक्सक्यूजेस, फिर एक्सक्यूजेस, आखिर हम लोग कब तक एक्सक्यूजेस हर एक दूसरे पर इल्जाम तराशियों के सहारे जिंदगी गुजारते रहेंगे। हुकूमतें पिछली हुकूमतों पर, बच्चे वालदेन पर, वालदेन असाज़ा पर, असाज़ा निज़ाम और निसाब पर, ख़वातीन मर्दों पर और मर्द माशरे पर, गज़ब की कोई अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं। हाँ फिर माने भी कैसे है, गलती तो वो शख्स मानता है जिसमें सच सुनने, उसे तस्लीम करने और आइंदा खलूस नीयत कोशिश और जद्दोजहद से मस्बत कदम उठाने का जज्बा रखता हो, कुछ कर दिखाने का जज्बा रखता हो, लेकिन हम लोग तो कुछ करना ही नहीं चाहते। हम लोगों को तो फुर्सत ही नहीं होती एक दूसरे पर इल्जाम और तोहमतें लगाने से। हाँ हम में से तो बाज़ ऐसे हैं जो सारा दिन ऐसे हर पे आजमाते रहते हैं कि कब कोई दाव लगे और वो लोग शाम से पहले अमीर हो जाए, चाहे जायज ना जायज कोई तरीका इस्तेमाल करना पड़े। और बाज़ ऐसे हैं जो इस इंतजार में है कि कब कोई गीदड़ संगी हाथ लगे और उनके सारे मसाइल हल हो जाए। अफसोस अक्सरियत ये बात भूल चुकी है कि मेहनत के बगैर मंजिल की ख्वाहिश करने वाला बहुत बड़ा अहमक है। रासिम साहब, अब आपकी कैसी तबीयत है? रासिम साहब, मैं और मेरा स्टाफ, हम सचमुच आपसे बहुत शर्मिंदा हैं। मैं जानती हूँ कि हम सब नर्सें एक बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार थी, लेकिन कसम ले लें आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
वो सब बातें गलत और झूठ साबित हो चुकी हैं जो इस मर्ज के बारे में लोगों ने फैला रखी हैं। यकीन जानिए हम सब नर्सें आपके लिए अल्लाह ताला से दुआ करती हैं कि अल्लाह ताला आपको जल्दी से ठीक कर दे और आप अपनी बीवी बच्चों में हंसी खुशी बाकी की ज़िंदगी बसर करें। इंशाल्लाह ताला आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? देखिए मैं आपके लिए नए फूल लेकर आया हूं। तो मौसम ऐसा है कि फूल फौरन मुरझा जाते हैं। हाँ और सुनाइए रासम, आपको पता है आज क्या हुआ? आसिम ने पहली दफा बाबा बोला। बाबा? मैं तो सुन के हैरान रह गई। हाँ मैं ले आऊंगी। वो पता है क्या हुआ आज? वो मैं बाजार चली गई थी ना, कुछ चीजें लेनी थी, तो मैं सीधी वहीं से आ रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं बाद में ले आऊंगी। सब पत्ते झड़ जाते हैं, नर्स क्या करती रहती है। कब लाओगी? कल ले आऊंगी। रासिम क्या हो रहा है तुम्हें? रासिम रासिम क्या हो रहा है तुम्हें? रासिम रासिम पानी का नर्स नर्स रासिम रासिम आंखें खोलो रासिम, नर्स डॉक्टर को बुला खिलाओ। रासिम रासिम आंखें खोलो, रासिम आंखें खोलो। क्या क्या हुआ? डॉक्टर को बुला के लाए, देखिए इन्हें क्या हो रहा है। रासिम साहब आप इनसे बात मत करें, आप डॉक्टर को बुला के लाए। ओह यस रासिम रासिम आंखें खोलो, रासिम रासिम आंखें खोलो, आंखें खोलो। रासिम खुदा का वास्ते, रासिम खुदा के वास्ते कोई कुछ करे। रासिम उठ जाओ, रासिम उठो, रासिम उठो, रासिम रासिम आंखें खोलो, रासिम रासिम प्लीज रासिम रासिम अभी ठीक हो जाएगा ना? मैं कल आसिम को ले आऊंगी, प्रॉमिस में आसिम को ले आऊंगी, प्रॉमिस में आसिम को ले आऊंगी, प्लीज। Bye.
बा